माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ازواج سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه थोड़ा वोकल वॉल्यूम दे भाई। जितने साथी तशरीफ रखते हैं बुलंद आवाज पढ़िए अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व اصحابك या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिक व اصحابك या सय्यदी या खातमन नबियीन। वाजिबुल इत्राम सदर महफिल यादगार असलाफ उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अब्दुस्समद साहिब गौसवी, वाजिबुल इत्राम फख्र सादात मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद समर अब्बास शाह साहिब, वाजिबुल इत्राम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हुसैन साहिब खतीब व इमाम जामा मस्जिद हाजा, वाजिब अल इत्राम जीनत महाफिल आहले सुन्नत जनाब काजी मोहम्मद जुल्फिकार नक्शबंदी साहिब, वाजिब अल इत्राम बरादर मोहतरम सनाखान रसूल मास्टर मोहम्मद असलम साहिब, वाजिब अल इत्राम खादिमुल उलमा ब्रादर मोहम्मद अब्दुल अजीज नासिर साहिब, दीगर तशरीफ फरमा बहुत ही इत्राम के लायक बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम जल्ला शानहू का लाख लाख फजल एहसान, नबी करीम रऊफुर रहीम ताजदार कायनात रिसालत माब सयाह अफलाक वजह तखलीक कायनात हबीब खुदा हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की मोहब्बत व अकीदत में अपने घर में अल्लाह करीम ने हमें जमा होने की तौफीक बख्शी। मालिक अर्दो समा हमारी हाजरी बारगाह इज्दी में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। बानी महफिल मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद काशिफ नईम साहेब और आपके जुमला बरादरान अहल खाना मुबारकबाद, अल्लाह पाक ने इनको नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत व अकीदत में इस बज़्म के इनेकाद की तौफीक बख्शी। सुभान अल्लाह। यकीनन ये इनके वालिद गिरामी की तरबियत है। गालिबन परसों इसी मकाम पर दो दिन पहले
इनके भाई मोहम्मद सैफुल्ला ने हुजूर के नाम की महफिल सजाई और आज ये सजाए बैठे हैं। यकीनन औलाद जो भी नेक काम करती है उसका पूरा पूरा सवाब उनके मरहूम वालदेन को अता किया जाता है। तो मीलाद ये मनाते हैं और कब्र इनके वालिद साहब की रोशन हो रही है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी कि जिंदगी भर उलमा की खिदमत की, मीलाद पाक से मोहब्बत रखी और जिक्र रसूल को अपना वतीरा बनाया। आज इसका सिला उनको कब्र में भी नसीब हो रहा है। मेरे भाई की इस मोहब्बत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इनको तीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। कुरान मुकद्दस की मशहूर आयत मुबारका है, तकरीबन आप उलमाए किराम से वाइदीन हजरात से ये आया करीमा सुनते होंगे, तर्जमा सुनते होंगे। मैंने भी इसी आया करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस हवाले से कुछ लम्हात अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करने की कोशिश करेंगे। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। महबूब आप फरमाएं, अगर तुम लोग अल्लाह से प्यार करते हो तो मेरी इत्तबा करो। يحببكم الله, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ويغفر لكم ذنوبكم, और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। والله غفور رحيم, अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। इस आयत का तर्जमा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी किया और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने भी किया। अल्लामा इकबाल का तर्जमा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फत्तबिउनी तुम नबी की गुलामी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें अपना महबूब कर लेगा। जब खुदा के महबूब हो जाओगे तो कायनात तुम्हारी हो जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत का तर्जमा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह की कसम अल्लाह का दर दरे मुस्तफा है, जो अल्लाह देता है इसी दर के वसीले से देता है, और जो हुजूर के दर पर नहीं जाता उसको मालिक का दर कभी मिला नहीं करता। फरमाया लोगों तुम मुझसे मोहब्बत की बात करते हो तो आओ तुम्हें बताएं कि मोहब्बत खुदा क्या है, मौला तेरी मोहब्बत क्या है। फरमाया फत्तबिउनी मेरे महबूब की गुलामी अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए इस आयत मुबारका के अंदर हुजूर की मोहब्बत को शर्त करार दिया। अपनी रिजा के लिए रिजाए मुस्तफा अलैहि तहियत व सना को लाजिम करार दिया। अपनी बारगाह तक रसाई के लिए दरे रसूल मकबूल अलैहि सलाम तक